أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد रबी उल अव्वल का है महीना, रबी उल अव्वल की है बहारें। है इस महीने का ये तकाजा हयात अपनी को हम सवारें। हम अपनी आंखों की रोशनी से दिलों पे अपने लिखें मोहम्मद। हाँ रिस्क के फिक्र व अमल की खातिर लहू में इश्क नबी उतारें। लहू इश्क नबी जी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों साथियों, मुझे यकीन है कि आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे अल्लाह पाक की बेपनाह रहमतों में होंगे। दोस्तों माहे रब्बुल अव्वल की मुबारक सातें हैं और ये मोहब्बत और मुअद्दत की सातें हैं और इसमें बरकात की खुशबुएं समेटने की बातें हैं। दोस्तों मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मामला फहमी और माशरे के इख्तलाफात को दूर करने और उसमें इतिहाद और इत्तफाक पैदा करने की कुदरती सलाहियत थी। जैसा कि बैतुल्लाह की तामीर के वक्त हजरत असवद को अपनी जगह रखने पर कुरैश के मुख्तलिफ जमातों में एक इख्तलाफ पैदा हो गया था, आप सब जानते हैं, और ये भी जानते हैं कि करीब था कि नहा के खून की नदियाँ बह जाती, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा फैसला फरमाया कि जिसकी सब ने तहसीन की। रवायत है, इस्लामी रवायात है हमारी, और उसके मुताबिक जब हज़रत इब्राहिम और उनके बेटे हज़रत इस्माईल ने खाने काबा की तामीर की तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हज़रत असवद को जन्नत से ला कर दिया था, जिसे हज़रत इब्राहिम ने अपने हाथों से नस्ब किया था। सन 606 ईस्वी की बात है कि सैलाब आ गया और खाने काबा की दीवारों को नुकसान पहुँचा, इमारत को नुकसान पहुंचा। उस वक्त हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र सिर्फ 35 बरस की थी। आपने और अहले कुरैश ने यह फैसला किया कि हमें खाने काबा को दोबारा से तामीर करना चाहिए, और जब हजरत असवद रखने का वक्त आया तो कबाइल के जो लोग थे, डिफरेंट जो उनके सरदार थे, उनमें लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया कि वो चाहते थे कि ये बाबरकत जो सादत है उनको मिले, और इसका जवाब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हमारे प्यारे नबी ने ऐसा ढूंढा कि अकल हैरान रह गई। आपने चादर मुबारक को बिछा दिया और हजरत असवद को उसके दरमियान में रखा और सरदारों से कहा कि एक एक कबीले का सरदार एक एक कोना पकड़ लें, और जब वो हजरत असवद को लेके खाना काबा की तरफ पहुंचे तो खुद अपने हाथे मुबारक से उठाकर दीवार में नस्ब कर दिया। हमारे नबी में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ ये मामला फहमी ही नहीं थी, सिर्फ यही एक खूबी नहीं थी, वो तो मुंबा थे खूबियों का, उनमें एक और खूबी जिनके दुश्मन दो सब मोतरफ थे, वो उनका
सदाकत और अमानत कहलवाना है। लोग उनको सादिक और अमीन के नाम लकब से याद किया जाता था, याद करते थे उनको। और एक मौके पर कुरैश के लोगों ने एक यकबहक होके कहा कि हमने बारहा तजुर्बा किया है मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमेशा सच्चा पाया। और वो सच्चे क्यों ना होते, ये सब तो कुदरत की जानिब से एक उनकी गायबी तरबियत थी आपको आगे चलकर नबुवत और रिसालत के अजीम मकाम पर फाइज होना था। और इस दुनिया के लिए, इस पूरी उम्मत के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए आपको बतौर अस्वा हसना पेश करना था। कुरान पाक की सूरा अल अहज़ाब की आयत नंबर 21 में अल्लाह पाक फरमाते हैं कि बिलाशुबा मुसलमानों, तुमको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में उम्दा नमूना है और हर उस शख्स के लिए उम्दा नमूना है जो अल्लाह की मुलाकात का और क़यामत के दिन का खौफ रखता है और अल्लाह को बकसरत याद करता है। दोस्तों, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और उनका अमल हमें दर्स देता है कि हमें भी खुद में मामला फहमी, इत्तहाद, इत्तफाक और सच बोलना चाहिए, सच्चाई का साथ देना चाहिए। आइए इन मुबारक सातों में हम अल्लाह पाक से दुआ करते हैं अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में हमें भी मामला फहमी, इत्तहाद, इत्तफाक और सच बोलना और सच के साथ रहना सिखा दे। आमीन। लौ भी तू, कलम भी तू, तेरा वजूद अल किताब, गुंबद आप की न रंग तेरे मुहीत में हबा, आलम आबो खाक में तेरे हुजूर का फरो, जर्राए रेग को दिया तूने तुलूए आफ्ता, शौकते संजरो सलीम तेरे जलाल की नमो, फकरो जुनैद बायजीद तेरा जमाल बेनकाब, शौक तेरा अगर न हो मेरी नमाज का इमाम, मेरा क़याम भी हिजाब मेरा सुजूद भी हिजाब। अमेरिका बात करते हैं डॉक्टर सरबत रिजवी से, जहाँ वो हमारा इंतज़ार कर रही हैं क्योंकि आज हमने उनसे पूछना है कि हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हैवानों से कलाम करते थे तो वो कैसा होता था। और इसके अलावा उन्होंने एक और जिक्र किया था शिफाए अमराज का, डेफिनेटली ये भी हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब है, हम इनके बारे में भी सुनेंगे। तो जैसे कि हम ऑलरेडी जान चुके हैं कि उनकी अर्जी मोजज़ात में दरख्तों का चलना भी शामिल है और अर्जी और आसमानी मोजज़ात में चाँद का दो टुकड़े होना और चाँद का वापस मिल जाना और फिर दोबारा तुलू होना शामिल था, और उन्होंने हमें बहुत अच्छे तरीके से समझाया था। आइए दोस्तों, आप मज़ीद इसी मौजू को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे बासु ने? बहुत बहुत अच्छा लगा और ये समझ में भी आया, मेरे दोस्तों ने को भी समझ में आया कि मोजज़ात होने क्यों जरूरी थे। उस जमाने की बात हो रही है, आज तो साइंटिफिक होती है ना बात, उस जमाने में साइंटिफिक भी होती थी और ये कुदरती मोजज़ात भी होते थे। अच्छा, आपने एक तो अर्जी मोजज़ात का आपने जिक्र किया, फिर आसमानी मोजज़ात की बात हुई। मैं चाहूँगी कि, बल्कि मेरे साथ जो देख रहे हैं वो सब भी यही चाहते हैं कि आप अब हमें ये बताइए कि हैवानों से कलाम के जो मोजज़ात थे वो क्या थे। जी बिल्कुल, देखिए अर्जी मोजज़ात में ही आ जाते हैं, हैवानों से कलाम भी ज़ाहिर ज़मीन पे मोजज़ात में हैं, ज़मीन पे हैं। और एक तो मोजज़ा हम आपको सुनाएंगे कि उसमें दुरूद का मोजज़ा भी शामिल है, जो हमने किताब दुरूद सलाम की बरकतें किताब है उसमें पढ़ा था। और ये जो एक मिसाल दी जाती है कि परवरदिगार आलम पत्थर के अंदर कीड़े को रिस्क देता है, बेशक बेशक देता, तो
ये मुजज़ा कुछ इस तरह था कि अबू जहल एक मरतबा रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और उसके मुट्ठी बंद थी और उसमें उसने आके सवाल किया कि या रसूलल्लाह, मेरे दोनों हाथ बंद थे उसके और मेरे हाथों में क्या है। तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए अबू जहल, तेरे एक हाथ में एक टूटा हुआ लाल है, लाल पत्थर होता है, और दूसरे हाथ में एक सही सालम लाल है। फिर रसूल खुदा फरमा, उसने हाथ खोला तो उसमें एक सही सलामत लाल था। फिर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तू इसको तोड़, तो इसके अंदर इसके अंदर एक कीड़ा है, और वो कीड़ा जो है उसमें एक कीड़ा है जिसके मुंह में सब्ज रंग का पत्ता दबा हुआ है। अच्छा, अब अबू जहल ने हुक्म कहा अपने गुलाम से, तोड़ा जाए। ये मोहम्मद मुस्तफा ये कह रहे हैं तो ये सच है कि नहीं है। तो जब उसको तोड़ा गया उस लाल को, तो उसमें एक नन्ना सा कीड़ा था और जिसके मुंह में एक सब्ज रंग का पत्ता था। तो अम्म ने उस कीड़े को मुखातिब होके कहा कि तू इस पत्थर के अंदर है और तेरे मुंह में ये सब्ज रंग का पत्ता कहाँ से आया? छोटा सा कीड़ा है और उसके मुंह में पत्ता, मुंह में सब कहां से आया? बिल्कुल सही बात है। तो वो कीड़ा ये कहता है कि और तो इसमें कब से है, मतलब देखिए ना, कोई चींटी अगर किसी हम पत्थर पे नजर आती है तो वो कहीं बाहर से चल के आई होती है। ये लाल तो बंद है और उसको तोड़ा गया तो इसमें कीड़ा है और कीड़े के मुंह में रजा है पत्ते की सूरत में। तो वो कहता है कि या रसूल अल्लाह, मैं नहीं जानता कि मैं कब से हूँ यहाँ, लेकिन मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मैं जब से हूँ मेरी आंख खुली है, जब मुझे भूख लगती है तो मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजता हूँ और खुदा इंतजाम कर दे। सुभान अल्लाह। अच्छा बात सुनो, ये भी बात है, कहते हैं कि दुरूद शरीफ की कसरत से कहत खत्म हो जाती है, और आप जितनी बार दुरूद शरीफ पढ़ते हैं उतनी हजार आपकी मुश्किलात दूर हो जाती हैं। सुभान अल्लाह, क्या बात बताइए आप। इस तरह मुश्किलात के रास्ते बोलने वाली हस्ती है मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु ये कीड़े का कलाम। फिर उसके बाद एक हिरनी के कलाम का वाकया मैं आपको सुनाती चलूं कि अमाली तुसी में हजरत अली अलैहिस्सलाम से मनकूल है कि एक मरतबा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कबीले के करीब से गुजरे कि आपने देखा एक खेमे की तनाव से एक हिरनी बंधी हुई है, और जब हिरनी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो बड़ी फसीह बलीग जबान में अर्ज किया अरबी में कि अस्सलाम वालेकुम या हबीबुल्लाह। सलाम कर रही है अरबी में, सलाम कर रही है, अस्सलाम वालेकुम या हबीबुल्लाह। कहती है कि मैं अपने पीछे दो भूखे प्यासे बच्चे छोड़ आई हूँ और मेरी छाती दूध से भरी हुई है, अगर आप नवाजिश फरमाएं तो मुझे आजाद करा दें, मैं उन्हें दूध पिलाकर वापस ले जाऊंगी। मुझे आजाद करवाते मैं वापस आ जाऊंगी। ओह माय गॉड, रिक्वेस्ट कर रही है, दरख्वास्त कर रही है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस खेमे के मालिक ने से कहा कि क्या तू सुन रहा है ये हिरनी क्या कह रही है? अच्छा, वो मुनाफिकीन में से था। उसने कहा सुन तो लिया है लेकिन ये तो हैवान है, मैं इस पे कैसे भरोसा कर सकता हूँ कि ये वापस आ जाएगी? के वापस आएगी? रसूल करीम रहमतुल्लिल आलमीन है वो, रहमतुल्लिल आलमीन है वो, फरमाते हैं कि अगर मैं जमानत लूं, अब आप सादे भी हैं और अमीन भी हैं, अब किसी की जमानत, अगर मैं जमानत लूं, हाँ, तो क्या तू इसे छोड़ देगा? तो हाय हाय, आपने हिरनी से फरमाया, अब हिरनी से मुखातिब है कि क्या तू सुन रही है? तो हिरनी अर्ज करती है कि क़िबला, मैं तो आपसे पहले ही वादा कर चुकी हूँ, अब आप जमानत भी ले रहे हैं तो भला कैसे मुमकिन है कि अल्लाह कैसे मुमकिन है वापस ना जमानत ले और मैं वापस ना आऊं? सुभान अल्लाह, सुभान। बेशक उस मुनाफिक ने हिरनी के गले से रस्सी निकाली और उसे छोड़ दिया और उसने कहा जब तक हिरनी वापस नहीं आ जाती आप यही तशरीफ रखें क्योंकि आप जामिन हैं। हुजूर को वहीं पे बाउंड कर दिया, बिठा दिया। अच्छा, आप तशरीफ फरमा हो गए। थोड़ी देर के बाद देखा कि वो हिरनी खरामा खरामा वापस चली आ रही है।
सुभान अल्लाह, वाह, मुजज़ा देख के वो मुनाफिक जो है वो मुसलमान हुआ और उसने अर्ज की, अगला अब मैं आपको इस इसके कदमों का सदके में मैं आजाद करता हूँ। सुभान अल्लाह, यानी कि वो कहता है अगला मैं सिरनी को रसूल करीम आपके कदमों के सदके में मैं इसको आजाद, तो ये मुजज़ा का और ये जमीनी मुजज़ात में से भी, और जानवरों से कलाम करना, एक हाँ फिर भेड़िए से कलाम है एक वाकया में, कि ये भी बिहारुल अनवार में वाकया है कि एक मर्तबा एक भेड़िया आ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और दरख्वास्त की कि या रसूलल्लाह मैं भूखा हूँ, आपने अपने सहाबा से फरमाया अगर तुम मुनासिब समझो तो इस भेड़ियों के लिए भी तुम्हारी गजा में से कुछ हिस्सा मैं मुकर्रर कर दूँ जब तक क़यामत तक इससे तजावुज नहीं करेंगे, यानी कि भेड़िया का कुछ हिस्सा अगर मैं मुकर्रर कर दूँ तो ये क़यामत तक अपनी हद से तजावुज नहीं करेंगे, अगर ये मंजूर ना हो तो फिर हिफाजत तुम्हारे जिम्मे होगी, उन्हें जैसे भी मैसर आएगा तो वो अपना हिस्सा वसूल करेंगे। तो कहने लगे कबला जैसे चल रहा है वैसे ही चलने दे, कोई हिस्सा वगैरह मुकर्रर ना करें। तो मतलब ये कि भेड़िए ने कराम किया और बकरी के गोश्त ने, यानी कि सालिम बकरी की बात नहीं हो रही, बकरी की गोश्त ने, जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से रवायत है कि एक मर्तबा बकरी का गोश्त भून कर पेश किया गया तो आपने जब खाने का इरादा किया तो गोश्त पके हुए गोश्त में से आवाज आई, ऐ रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा सलाम कबूल कीजिए मैं जहर आलूद हूँ, यानी किसी ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहर देने की कोशिश की थी और वो गोश्त फूट पड़ा। सुभान अल्लाह, से कलाम किया कि मैं जहर आ गई हूँ, नौजायदा बच्चे ने बच्चे का कलाम करना है, जैसे अब ये हमें मिलता है कि जनाबे यूसुफ के वाकये में मिलता है, बिल्कुल हाँ जी, हजरत ईसा के बोझ रखती थी और एक दिन वो अपने दो माह के बच्चे को उठा के ले आई, सामने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए, इस बच्चे ने जो ही आपको देखा तो बच्चा बोल पड़ा अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह या मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, तो आ हुजूर ने फरमाया बच्चे तुझे कैसे पता चला कि मैं अल्लाह का नबी हूँ और मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला हूँ, बच्चे ने अर्ज की तबला मुझे अल्लाह के हुक्म से अमीन ने बताया, यानी जिब्राइल अमीन ने, जिब्राइल अमीन ने बताया, अमीन कौन है, बच्चे से सवाल कर रहे हैं, अच्छा बच्चे से सवाल कर रहे हैं अमीन कौन है, तो जिब्राइल है, बच्चा कहता है वो जिब्राइल है, वो आपके सामने खड़ा है और आपकी तरफ देख रहा है, देख रहा है, ओह माय गॉड, आपने फरमाया बच्चे तेरा नाम क्या है, तो बच्चे ने अर्ज की मेरा नाम तो अब्दुल अज्जा है लेकिन मैं अज्जा को नहीं मानता क्योंकि उस जमाने में अज्जा बुत का नाम था, बुत का नाम था, अज्जा यानी अज्जा का बेटा, तो कहता है कि आप जो चाहे तजवीज फरमा दे, तो आप फरमाते हैं कि मैं तेरा नाम अब्दुल्ला रखता हूँ, बच्चे ने अर्ज की दुआ फरमाए कि खुदा मुझे आखिरत में आपके गुलामों में मशहूर फरमाए, तो आप फरमाते हैं इंशाल्लाह ऐसे ही होगा, और उसके बाद बच्चा कहता है कि सआदतमंद है वो कि जो आपका कलमा पढ़ ले और बदबख्त है वो जो आपका कलमा ना पढ़े, और उसके बाद बच्चे ने एक झुझरी ली और कलमा पढ़ के वहीं आपके सामने वो दुनिया से रुखसत हो गया। तो ये वाकयात हैं जानवरों के कलाम करने के, बच्चे के कलाम करने के, ऐसे बेशुमार वाकयात जो हैं रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुजज़ात जो हैं हमें तारीख में, यानी 4,000 से ज्यादा जो हैं वो आपके सामने बयान किए। अच्छा मैं ये चाह रही थी सरवत के थोड़ा सा शिफाए अमराज के बारे में भी कुछ बताइए, उनके शिफाए अमराज, जी शिफाए अमराज के बारे में भी वाकयात मौजूद हैं जी जी, इसमें देखिए एक तो ये है कि दो बच्चों का जिंदा होना, अल खराइज वल जराही के मुताबिक एक अंसारी की बकरी थी, इसे ज़बह किया और बीवी से कहा इसे दो हिस्सों में तकसीम करके कुछ पका लो, मैं मस्जिद जाता हूँ सरवरे अंबिया की खिदमत में अर्ज करूंगा मुमकिन है वो कबूल फरमा लें,
अंसारी के दो बच्चे थे, वो अपने बाप को बकरी जिबा करते देख रहे थे, जैसे हमारे यहाँ होता है जब जानवर बच्चे देखते हैं, बिल्कुल। हाँ, बड़े बच्चे ने छोटे बच्चे से कहा आ मैं तुझे बकरी की तरह जिबा कर दूं, छोटे भाई को जिबा कर दिया। जब माँ ने देखा तो वो घबरा के बड़े को सरजनिश करने उठी, जब उसने माँ को आते देखा तो वो डर के भागा और छत पे चढ़ गया। माँ छत पे चढ़ी तो वो वहां से चढ़ के कूद गया। अब दोनों बच्चे मर गए, वो तो जब माँ ने दोनों बच्चों की लाशें देखी, उनको छुपा के रख दिया और अपनी ममता को पसे पुश डालकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए उसने खाना तैयार किया और नमाज से फारिग होकर नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, दस्तरखान चुना गया तो आपने अंसारी से फरमाया कि तेरे बेटे कहाँ हैं। वो उठा, उसने जाके बीवी से पूछा, हुजूर आप खाइए, जब वो आएंगे तो खा लेंगे। तो आप फरमाते कि नहीं, जब तक बच्चे नहीं आएंगे मैं खाना नहीं खाऊंगा। और ये हमें मालूम है तारीख में भी के बच्चों से आज़ाद को बहुत मोहब्बत थी, बहुत मोहब्बत करते थे। हाँ। आखिर अंसारी को बताना पड़ा और आपने फरमाया कि जा तू उनके लाशें उठा के ले। अब वो दोनों बच्चों के लाशें उसने लाके रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब रख दी। आपने इन दोनों के जिस्म पर हाथ फेरा, वो दोनों जिंदा होके बैठ गए। आपने दोनों को दस्तरखान पर बिठाया और सबके साथ मिलके खाना तनाव। मैं तो आप शिफा की बात कर रही थी, मैंने आपको यहाँ पे हजरत ईसा के बारे में कहा जाता था कि वो मुर्दों को जला देते थे, तो नबी करीम के पास तो तमाम अंबिया के मौजजात के वारिस हैं, बेशक तमाम सरदार अंबिया हैं, ताजदार अंबिया हैं, तो तमाम अंबिया के मौजजात के वारिस जो हैं वो हमारे नबी मुकर्रम मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कि मरीजों को शफा भी बख्श सकते हैं, चाहे वो रूहानी मरीज हों चाहे वो जिस्मानी मरीज हों, जो रूहों को भी जला सकते हैं, दिलों को भी जला सकते हैं और जिस्मों को भी जला सकते हैं। ये बेशक ऐसा ही है, बिल्कुल बेशक ऐसा ही है। सरबत आपसे फिर दरखास्त है, इल्तिजा है कि हमको कुछ कलाम अता हो। जी बिल्कुल, मुझे मालूम था कि इसलिए मैं नाक में पहले से निकाल के रखी हुई थी। हाँ, मैं बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा कलाम। और फिर ये कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हदिया पेश होता है तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। नात के चंद अशआर। रात ये नात सरे अर्श बरी लिखी थी, रात ये नात सरे अर्श बरी लिखी थी, खामे जा से इसी दिल पे कहीं लिखी थी। रात ये नात सरे अर्श बरी लिखी थी, खामे जा से इसी दिल पे कहीं लिखी थी, लिखी थी और निस्फ लिखी थी किसी और जहां में बाकी। वाह क्या बात है, लिखी थी किसी और जहां में बाकी, लिखी थी किसी और जहां में बाकी। बिल यकीन गुम्बद खिजरा के करीब लिखी थी, करी लिखी थी। वाह 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 वाह, एक खेमा करबला में लगता है ना तो दूसरा खेमा मदीने में लगता है, मदीने में लग गया है, बिल्कुल लगा हुआ है, कोई शक नहीं है इसमें। क्या बात है, क्या बात है। खिजरा के करी लिखी थी और अपने हर दर्द को तहरीर किया उस दर पर। सुभान अल्लाह, अपने हर ख्वाब की ताबीर वहीं लिखी थी, वही लिखी थी। वाह वाह वाह, और पहले लिखा था दुरूद और सलाम उसके बाद, पहले लिखा था दुरूद और सलाम उसके बाद, अपने अश्कों से मुनाजात हज़ीन लिखी थी। वाह, मुनाजात हज़ीन, अश्कों से मुनाजात हज़ीन लिखी थी। और मफातिहुल जिना में मुनाजात हज़ीन भी मौजूद, देखिएगा। और दिल मेरा रंज रसीदा मुझे महसूस हुआ, दिल मेरा रंज रसीदा मुझे महसूस हुआ, मैंने जिस रोज कोई नात नहीं लिखी थी, नहीं लिखी। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। आपका तो रिकॉर्ड है कि माहे रबी अव्वल में भी एक
नात रमजानुल मुबारक में जो रमजान मुबारक की नात ये उसी सिलसिले की कड़ी है, ये नात कड़ी है। और ना तअली ना गुलू और ना तकसीर कोई, ना तअली ना गुलू और ना तकसीर कोई, सादा लफ्जों में सना और हंसी लिखी थी। वाह क्या बात है। और आपने दर्ज किया है मौत खुद आके मदीने में कहे ए सरवत, मौत खुद आके मदीने में कहे ए सरवत, तेरी किस्मत में बकैया की जमीन लिखी थी, तेरी किस्मत। वाह 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 क्या बात है, क्या बात है। रात ये रात सरे अर्शे बरी लिखी थी, खामई जा से इसी दिल पे कहीं लिखी थी, कहीं लिखी थी। वाह वाह सुभान अल्लाह, क्या क्या ही नायाब कलाम है। जज़ाकअल्लाह जज़ाकअल्लाह सरवत, इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी, इंशाल्लाह उसी बेशक उसी के दर किया था, आपसे फिर कल मुलाकात होगी इंशाल्लाह, किसी नए मौजू पे बात करेंगे। आपको बहुत शुक्रिया कि तसलसल से हमको मौजूदात के बारे में बताया, और हमको सबको आगही भी हुई और खुशी भी हुई, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि कुछ बातें ऐसी हैं जो हमें मालूम हैं लेकिन दोहराने से मजा आता है और निखरती है बात। ये वो असरार हैं, इनको जितनी मर्तबा भी दोहराया जाए एक नई ताजगी एक नई खुशबू महसूस होती है, हर बार नया सा लगता है। मैंने ये देखा है हर बार नया सा लगता है, ये बहुत खुशी की बात है। तो इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी किसी नए मौजू के साथ, जब तक के लिए खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। लौ भी तू कलम भी तू, तेरा वजूद अल किताब, गुंबदे आप की न रंग तेरे मुहीत में हबा, आलम आबो खाक में तेरे हुजूर का फरो, जर्राए रेग को दिया तूने तुलूए आफ्ता, शौकते संजरो सलीम तेरे जलाल की नमो, फकरो जुनैद बायजीद तेरा जमाल बेनकाब, शौक तेरा अगर न हो मेरी नमाज का इमाम, मेरा क़याम भी हिजाब मेरा सुजूद भी हिजाब। नातगो शौरा के हवाले से आज के प्रोग्राम में जनाब बेहजाद लखनवी पर मुख्तसर सी गुफ्तगु। बेहजाद लखनवी 1904 में लखनऊ में पैदा हुए, आपका शुमार बरसग़ीर के मारूफ शायरों में होता है। दौर जदीद के नातगो शौरा में बेहजाद लखनवी को बहुत नुमाया मकाम हासिल है। आपका शुमार उन खुशकस्मत नातगो शौरा में होता है जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में ही सच्ची शोहरत हासिल कर ली थी। करता से नात गोई पर आपने अपनी नातों से बहुत गहरे नकूश छोड़े हैं। आज भी आपकी बहुत सी नातें ज़बाज़द खास व आम हैं और महाफिल में बड़ी शौक से पढ़ी जाती हैं। आफरीदी नस्ल से ताल्लुक़ रखने वाले बेहजाद लखनवी का पैदाइशी नाम सरदार हुसैन ख़ान है। आफरीदी नस्ल से चूँकि ताल्लुक़ था इसलिए इब्तदाई तालीम भी वहीं हासिल की और ईस्ट इंडिया रेलवे में TTI हो गए, लेकिन अलालत के बायस मुस्ताफ़ी हो गए। 1932 में ऑल इंडिया रेडियो में मुलाजिम हुए, लेकिन 1942 में वहाँ से भी मुलाजमत छोड़कर पंचोली आर्ट पिक्चर लाहौर में मुलाजमत कर ली। कुछ अरसे बाद वापस लखनऊ चले गए, क़याम पाकिस्तान के बाद कराची आ गए और वहीं इंतकाल हुआ। आपका रूहानी ताल्लुक खानकाह नियाज़िया बरेली भारत से था। पीर मुर्शिद हज़रत शाह मोहम्मद तकी उर्फ हज़रत अज़ीज़ मियाँ की नज़र, इनके फैज़ान के बायस आपका दिल हमेशा इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सरमस्त व सरशार रहता था। मुसलसल फिल्मी हैसियत से ज़िंदगी बसर करने के बाद भी सरिश्त में दाखिल और खमीर में गुंधे हुए इश्क रसूल ने कहीं भी चैन न लेने दिया और बिलआख़िर बेहजाद लखनवी नात गोई के लिए वक्फ होकर रह गए। बेहजाद लखनवी ने आखिरी सांस तक नात गोई और नात खानी को हिज्ज़े जान बनाए रखा। बेहजाद लखनवी रेडियो पाकिस्तान पर हर रोज़ एक ताज़ा नात तरन्नुम के साथ सुनाया करते थे। आपके अंदाज में अदब और चाशनी थी। आपके मजमुओं में मुतअद्दिद मजमुए ऐसे हैं जिन्हें बेहद शोहरत मिली। चंद के नाम आपके खिदमत में पेश करता हूँ: आहे ना तमाम, सनाए हबीब,
کفر و ایمان، مصحف بیزاد، نقش بیزاد، نغمہ طور، کیف و سرور، موج طور، چراغ طور، کفر و ایمان، درمان غم، ذکر حضور اور بہت سے نام ہیں۔ کفر و ایمان 1948 میں لاہور سے، اور درمان غم، ذکر حضور، نغمہ نور اور کرم بالائے کرم کراچی سے شائع ہوئے۔ کرم بالائے کرم بیزاد لکھنوی کا آخری نعتیہ مجموعہ تھا۔ بیزاد کی ایک مقبول نعت، ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے، قلب حیران کی تسکین وہیں رہ گئی، دل وہیں رہ گیا، جاں وہیں رہ گئی، ہم اسی در پہ اپنی جبیں رہ گئی۔ اللہ اللہ وہاں کا درود و سلام، اللہ اللہ وہاں کا سجود و قیام، اللہ اللہ وہاں کا وہ کیف دوام، وہ صلات سکون آفرین رہ گئی۔ جس جگہ سجدہ ریزی کی لذت ملی، جس جگہ پر قدم ان کی رحمت ملی، جس جگہ نور رہتا ہے شام و سحر، وہ فلک رہ گیا، وہ زمین رہ گئی۔ ہاں یہ دیوارے جاں ہل جائے، اپنے ہونٹوں پہ پھول کھل جائے، بس یہی ایک تمنا نگہت، دامن مصطفیٰ جو مل جائے۔ مسجد نبوی کی تاریخ اور توسیع کے حوالے سے پروگراموں کے اس سلسلے میں آج کی گفتگو یہی کہ پیغمبر اسلام نے خود اس مسجد نبوی کی تعمیر میں شرکت کی تھی۔ تعمیر کے لیے پتھر کی بنیادوں کا استعمال کیا گیا اور مٹی کی دیواریں بنائی گئیں، کھجور کے درختوں کے تنے اور شاخیں چھت کے لیے استعمال کی گئیں۔ یہ گفتگو یہاں ختم ہوئی تھی پچھلے پروگرام میں، آئیے بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اس وقت مسجد کے 3 دروازے تھے اور اس کا رخ مسجد الاقصی کی جانب تھا جو کہ اس وقت کا قبلہ تھا۔ اس میں غریبوں اور مسافروں کو پناہ دینے کے لیے ایک سایہ دار حصہ بھی بنایا گیا تھا۔ بعد میں قبلے کا رخ تبدیل کر کے کعبے کی جانب کر دیا گیا تھا اور ایک دروازے کو بند کر کے دوسری سمت میں ایک اور دروازہ بنا دیا گیا تھا۔ جب صحابہ کرام نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تجویز دی کہ چھت کو گارے سے پختہ کر دیا جائے تو انہوں نے انکار کرتے ہوئے کہا، نہیں، یہ چھت عریش موسیٰ کی طرح رہے گی، موسیٰ کے چھپر نما چھت کی طرح۔ اس کے 3 سال بعد تک فرش کو کسی چیز سے ڈھکا نہیں گیا تھا۔ مسجد کے ایک ترجمان نے ایک انٹرویو میں بتایا تھا کہ مسجد کا ابتدائی رقبہ 1050 مربع میٹر تھا اور ہجرت کے 7 سال بعد پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت پر اسے بڑھا کر 1425 مربع میٹر کر دیا گیا تھا۔ پیغمبر اسلام کا مکان مسجد کے بالکل ساتھ بنایا گیا تھا اور وہاں ہی ان کا انتقال ہوا اور وہیں ان کی اہلیہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرے میں انہیں سپرد خاک کیا گیا۔ ڈاکٹر زریوا ایک معنی محقق ہیں کہ ان کے مطابق جب پیغمبر اسلام کی وفات ہوئی اور ان کے ساتھی ان کی تدفین کے لیے بہترین مقام کا انتخاب کر رہے تھے تو حضرت ابو بکر نے انہیں بتایا کہ پیغمبر اسلام کہہ چکے تھے کہ نبیوں کو وہیں دفنایا جائے جہاں اللہ ان کی روح نکالتا ہے۔ جب خلیفہ اول بیمار ہوئے تو انہوں نے اپنی بیٹی سے اجازت مانگی کہ کیا وہ ان کے حجرے میں پیغمبر اسلام کے قریب دفن ہو سکتے ہیں، جس پر حضرت عائشہ نے رضامندی ظاہر کر دی۔ خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایسے ہی کیا اور انہیں بھی پیغمبر اسلام اور پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر کے قریب دفن ہونے کی اجازت مل گئی۔ تاہم تاریخ یہ بتاتی ہے کہ حضرت علی کے فرزند امام حسن علیہ السلام کو اس جگہ پر تدفین کی، دفن ہونے کی نانا کے پہلو میں اجازت نہ مل سکی۔ ہم کا لکھنا جیسے باتیں کرنی ہوں جو خدا کے ساتھ، نعت کا لکھنا جیسے لینا سانس ہو وعدے صبا کے ساتھ، عشق محمد نگہت مجھ کو باپ نے میرے سکھلایا، ماں نے سکھایا نام محمد لکھنا صلی اللہ کے ساتھ۔
तेरा जौहर है नूरी पाक है तू, फरोगे दीदाए अफलाक है तू, तेरे सैद जबूं अफरिश्ता हूर के शाहीन शह लौलाक है तू। जब कोई खतीब जहां खुतबा देता है अगर उसकी आवाज तमाम हाजिन और सामईन तक पहुंचे तो उसे जहरुल सौत कहते हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिताबत में ये खसूसियत औजे कमाल पर थे। हजरत सैयदा उम्मे हानी रिवायत करती हैं कि हम मक्का मुकर्रमा में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आधी रात के वक्त काबा मुकर्रमा के पास किरत फरमाते हुए आपकी किरत को सुन लिया करते थे जबकि हम अपनी छत पर होते थे। हजरत अब्दुल रहमान मास रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से मिना में खिताब फरमाया। हम मिना में थे और हमारी समातें तेज हो गईं, हत्ता कि रसूल पाक जो फरमाते हम सही सही सुन रहे थे, हालांकि हम अपने अपने मकाम पर थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें हज के तरीके सिखा रहे थे, हत्ता कि जुमरा के करीब पहुंचकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दोनों शहादत की उंगलियों को रखा और फिर कंकरी फेंक कर बताया। फिर महाजरीन को हुक्म दिया कि मस्जिद के सामने वाले हिस्से में उतरें और अंसार को हुक्म दिया कि वह मस्जिद की पिछली तरफ उतरें। फरमाते हैं कि फिर उसके बाद बाकी लोगों ने भी पड़ाव डाल दिया। इब्ने साद ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुलंदी आवाज के बारे में लिखा है कि रसूल पाक की आवाज वहां तक पहुंचती थी जहां किसी दूसरे की आवाज नहीं पहुंचती थी। इन रिवायात से वाजिया हो जाता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खिताब फरमाते थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज तमाम हाजरीन तक पहुंचती थी, ख्वाह उनकी तादाद कितनी ही क्यों ना हो। खिताब में कलाम का जामिया होना बुलंद पाया खतीब की अलामत होती है। जामिया कलाम के बारे में अरबी अदीब हाफिज ने लिखा है कि वो कलमा जिसके हरूफ की तादाद कम हो और मानी कसीर हो जामिया कलमा कहलाता है। जामिया कलमात के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि मुझे अल्लाह ताला ने जामिया कलमात अता फरमाए हैं। अल्लाह ताला ने आपको जामिया कलमात की इतनी सलाहियत अता फरमाई थी कि न सिर्फ आपके कलमात जामिया होते बल्कि आपने अपने उसलूब से अरबों के जामिया कलमात को भी खूबसूरत बना दिया। मुहद्दिसीन कराम ने आ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत सारे जामिया कलमात नकल किए हैं जिनमें से चंद ये हैं। रास्ते के दरमियान में न बैठो, किसी चीज की मोहब्बत इंसान को अंधा और बहरा कर देती है, जब तू हया न कर तो फिर जो तू चाहे वो कर, बेशक बास बयान जादू होते हैं, जिनसे मशवरा लिया जाए वो अमानतदार होता है, दानाई मोमिन की गुमशुदा चीज है, जहां वो पाए वो उसका ज्यादा हकदार है, मोमिन एक सुराख से दो बार नहीं डसा जाता। नसीमा जानबे बतहा गुजर कुन ज़ाहवालम मुहम्मद रा खबर कुन, तुई सुल्तान आलम या मुहम्मद, ज़रूए लुत्फ सुए मन नजर कुन, मुशर्रफ गर्चे जामी ज लुत्फश, खुदाया ई करम बारे दिगर कुन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। हज़रत अबू मूसा रज़ियल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि एक दफ़ा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अच्छी सोबत की मिसाल ऐसे है जैसे कोई मुश्क वाला यानी खुशबू बेचने वाला अगर हो तो वो आपको या तो तोहफे में खुशबू दे देगा या आप उससे ख़रीद लेंगे, और अगर आपने ख़रीदा भी नहीं और उसने आपको तोहफे में दिया भी नहीं तो कम से कम खुशबू तो आप सूंघ लेंगे, उससे तो आपकी तबीयत हशाश बशाश हो जाएगी, आप खुश हो जाएंगे। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जो भट्टी झोंकने वाला होता है वो आपको क्या देगा,
वो या तो आग देगा, धुआं देगा या बदबू देगा। यानी अच्छी सोबत और बुरी सोबत में यही फ़र्क है कि अच्छी सोबत अगर है, अगर हमारे दोस्त अच्छे हैं, और इंग्लिश में भी ये कहा जाता है ना कि अ मैन इज़ नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, यानी जैसा इंसान होता है वो अपने दोस्तों की सोबत से पहचाना जाता है। अच्छे दोस्त होंगे तो हमें सही रास्ते पे ले जाएंगे, और अगर हम खुद अच्छे दोस्त होंगे किसी के तो हम भी उसकी अपने दोस्त की रहनुमाई करेंगे, उसको सीधा रास्ता दिखाएंगे। उसकी अगर कोई कमी होगी उसकी अखलाक में, उसके किरदार में, तो हम उसकी मदद करेंगे उसको सुधारने में, संवारने में। इसी तरह अच्छे दोस्त हमारी जो है अच्छाइयाँ तलाश करेंगे और बुराइयों से हमें, हमारी कमज़ोरियों से हमें आगाह करेंगे, ताकि हम उनका तदारुक कर लें और अपने आप को बेहतर कर लें। तो ये जो अच्छे दोस्त होते हैं ये माशरे को भी सुधारते हैं, हमारे घर को, हमारी फितरत को, यानी हमारे चारों तरफ वो जो एक ऑरा होता है, एक एम्बियंस होती है, वो भी अच्छी हो जाती है। हमारे जो माहौल है, हमारे इर्द गिर्द का माहौल जो है वो अच्छा हो जाता है, खुशनुमा हो जाता है, लोग भी हमें देख के खुश होते हैं और हमसे सीखते हैं। यानी अच्छे दोस्त अगर हैं तो वो दूसरों के ऊपर भी अच्छा तासर देते हैं, मदद करते हैं, काम आते हैं, मुश्किल दूर करते हैं। तो जब वो दूसरों की मुश्किल दूर करेंगे, दूसरों के काम आएंगे, तो फिर अल्लाह ताला की रहमत भी हमारे शामिल हाल होती है और हमें हर तकलीफ़ से बचाती है, हमारे रास्ते आसान करती है और हमारी ज़िंदगी भी आसान होती है। तो अब बुरे दोस्त जो हैं वो हमें सिर्फ बुराई की तरफ लेके जाते हैं, वो हमें कोई अच्छी बात नहीं सिखाते। इसीलिए कहते हैं कि माँ बाप जो है वो दोस्त नहीं होते। दोस्त तो बुराई की तरफ भी ले जा सकते हैं, अच्छाई की तरफ भी ले जा सकते हैं, लेकिन वालदैन कभी भी अपने बच्चों के लिए बुराई के बारे में ना सोच सकते हैं, ना बुराई उन्हें करने देते हैं। तो अच्छी सोबत जो है वो आखरत में भी काम आती है। बुरे दोस्त जो होते हैं वो आखरत में दुश्मन बन जाएंगे, वो आपको अपनी नेकी नहीं देंगे बल्कि आपके साथ गुजरा हुआ वक्त भी आपको तकलीफ़ देगा। और अच्छे दोस्त जो हैं वो वहाँ भी आपकी मदद करेंगे और वहाँ भी उनकी नेकियाँ और आपकी नेकियाँ मिलके रास्ता जो है पुलसरात का रास्ता वो आसान करेंगे। तो अच्छी दोस्त, अच्छी सोबत यही होना चाहिए। बलगल उला बेकमाल ही कशफद जवाब जमाल ही हसनत जमी खिसाल ही सल्लू अलैहि व आलिही। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा